जिसकी अदालत करके परमेश्वर जन्म में करता रहे, हमेशा की जन्म जन्म से मालूम रहे, और कभी कभी उसकी बच्चा खत्म नहीं होगी, और कभी भी उसको राहत मिलेगी नहीं, एक ही दो में की नहीं, लाखों रोजाना मर रहे। इतने बड़े अमानत को अदा न करने वाला, अदम पहुंचाने वाला कितना बड़ा कारण समझा जाए, कितना बड़ा कारण। इसके फरमाते हैं कि जालिम की दुआएं अदा कर नहीं कर, कितना बड़ा जालिम। किसी की जमीन दबा दिया तो जमीन के बगैर भी उसको गुजारा हो सकता, किसी का माल छीन लिया और माल उसको मिल जाए, और किसी को ईमान नसीब ना हुआ और हम और आप उस नजर में बन गए, हम और आपने ईमान की जिंदगी ना पूछे। यहां पर दो बातें काबिल नजर आई, उलमा भी बैठे हुए, उलमा इकराम भी बैठे हुए, दो बातें काबिल। ईमान वाले के जिम्मे है कि ईमान की जिंदगी पेश हो, जब तक ईमान की जिंदगी सामने नहीं आएगी आदमी दीन को समझ नहीं सकता। ईमान वाले से बिल्कुल कुफार करने से क्यों मारू मैं, मुसलमान कलमे की जिंदगी से मारू, मुसलमान कलमे की जिंदगी से क्यों मारू मैं, मुसलमान कलमे की मेहनत से मारू, कलमे की मेहनत होगी तो कलमे की जिंदगी वजूद में आएगी, कलमे की जिंदगी वजूद में आएगी तो कलमे की जिंदगी को लोग देखेंगे। अच्छा, दीन जो है ना, दीन को देखने के लिए लोग हमारे और आपके मस्जिदों में नहीं आएंगे, मस्जिदों में मुसलमान गैर मुस्लिम तो नहीं आए। ज़कात मुसलमान को दिया जाता है, गैर मुस्लिम को दिया नहीं जाता, रोजा अंदर की चीज है नजर आता नहीं, ईमान अंदर की चीज है नजर आता नहीं, जहां हज अदा कर रहे वहां पर मुसलमान गैर मुस्लिम का दाखिला ही बना है। तो दीन दिखाने की जगह तो बाजार कचहरी अस्पताल आना है, दफ्तर है, कारखाना है, हमारा रात का घर है, उसको देखेंगे तो लोगों को दिन समझ आए। अब मुसलमानों के बाजार, मुसलमानों के कारखाने, खाने, अस्पताल हो तो खाली, ये सारे मुसलमानों का मुल्क है, मुसलमानों कह जाता है। आप बताओ जब खाने जाते हो तो दिल धड़कता है कि नहीं धड़कता, आने में वास्ता पड़ता है क्यों दिल धड़कता है, खानों की खिदमत की जगह, वहां आदमी को तो बिठाया खिदमत के लिए, क्योंकि पैसे का यकीन है तो वहां बैठने वाला आदमी भेड़िया बन गया, अस्पताल में बैठने वाला भेड़िया बन गया, दफ्तर में बैठने वाला भेड़िया बन गया, लेकिन पैसा चाहिए। अब पैसे के लिए कुछ भी करो तो दीन तो बाजारों में नजर आएगा, कारखाने में नजर आएगा, वहां तो दीन है नहीं, तो सारी दुनिया को दीन हम कैसे। यहां पर एक बात याद रखो, हर मुसलमान का हर अमल, हर मुसलमान का हर अमल छोटा है बड़ा है, नेक है या गुनाह है, नेक अमल है या गुनाह है, मुसलमान का हर नेकी, मुसलमान का हर गुनाह ये इज्तिमाई है, इंफरादी। ये नहीं कि मैं गुनाहगार हूं मुझे सजा मिले, क्यों नबी अलैहिस्सलाम के पास कोई नबी नहीं आएगा, ये उम्मत इज्तिमाई उम्मत है, इसकी जिम्मे दीन है, दीन पर चलना उसकी जिम्मे है, दीन दिखाना भी उसके जिम्मे है। जो भी उस्मान ने कमल करेगा
वो इस्लाम के चेहरे को रोशन कर रहा है सारी दुनिया को दिखाने के लिए। जो भी उस्मान गुनाह कर रहा है वो इस्लाम के चेहरे पर दाग लगा रहा है। जब लोगों के सामने दागदार चेहरा इस्लाम का आएगा तो दाग लगाने वाले गुस्सा नहीं मिले। जो मुसलमान इस्लाम के चेहरे को खूबसूरत बनाएगा तो क्या उसको आदर नहीं मिलेगा? मुसलमान का कोई अमल इंफरादी नहीं बनता, मुसलमान का हर अमल का असर पूरे आलम पर पड़ेगा। इसलिए दिन हमारे पास अमानत है, दिन का हर अमल हमारे पास अमानत है। और सारी दुनिया के सामने दीन पेश करना यह हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह पूछेगा और मेरे और आपकी वजह से जितने लोग दीन से दूर हो गए हमारे और आपके अमल में लिखे जाएंगे। और हमारे अमल की वजह से कोई दीन से दूर हो गया, मैंने धोखा दिया, मैंने जुल्म किया, मैंने गजब किया, कोई भी नाफरमानी की, लोग दूर हो जाए, तो मुसलमान की जिम्मेदारी है सारी दुनिया के सामने पूरा दीन पेश करना। हर मुसलमान की जिम्मेदारी है ताकि लोगों को दीन नजर आए और लोग दीन पर चलने वाले बने, लोगों को दीन समझना आसान हो। इकराम बैठे हुए हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि अगर मुसलमान ने दीन पेश नहीं किया तो कुफार जो है ना वो मालूम हो, इस मुद्दे को भी समझने की जरूरत है। मुसलमान से तो मुतालिबा है कि पूरा दीन दुनिया के सामने पेश करो, और कुफार से मुतालिबा है कि हक को तलाश करो। मैंने अकल दिया है, समझ दिया है, 300 साल पहले जहाज नहीं था, उसका तस्वर भी नहीं था, मैंने तुम्हें आकर दिया, तुमने जहाज कैसे तलाश किया? 300 साल पहले रेलगाड़ी नहीं थी, जहाज नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, मिसाइल नहीं था, और उसका तस्वर भी नहीं था, मैंने तुम्हें आकर दिया, तुमने तलाश कर लिया। और जिस दीन पर 6-7 हजार साल से लोग कामयाबियां हासिल कर रहे थे, अंबिया की वाकया तुम्हारे पास सामने है, उम्मतों की वाकया तुम्हारे सामने है, तो इतना अंधा कैसे बन गया कि तुमने इसको तलाश नहीं की? इसलिए वो भी मजबूत नहीं, लेकिन देश पेश न करना यह हमारा जुर्म है, हमें किसी जुर्म पर सजा मिलेगी। ये दोनों बातें अलग अलग है। कुफार के जिम्मे है कि दीन को तलाश करे, मुसलमान के जिम्मे है कि दीन को पेश करे। इसलिए मेरे भाइयों को ये जिम्मेदारी है, यह अमानत है। अब इस अमानत को पेश करने के लिए तरतीब हाथ में बहुत जैसा के बाद कोई नहीं है, हमारा किदा है। अब उसके लिए करना क्या है? आसान बात, पहले तो यह हक तस्लीम किया जाए कि सारे इंसानों का दीन में हक है, और यह खत्म कर मतलब, और यह हक हर पर मत, हर पर मत, जब हक तस्लीम करेगा अब उसको, अब वो सोचेगा मुझे क्या करना है। पहले जब आदमी जिम्मेदारी तस्लीम करे, एक एक दिन का काम करे, आंखें बंद कर दिन का काम करे, ठीक है, जो मस्जिद के जाड़ू देगा उसकी बख्शिश की नहीं, लेकिन दिन जो जिंदा नहीं है, बातें तो नहीं टूटेगी। जब बातें नहीं टूटेगा, बातिल गालिब रहेगा, दीन वाले मकबूल रहेंगे,
तो दीन वालों को बातिल के साए में दिन पर चलना पड़ेगा, पूरे दिन पर नहीं चलना। बातिल जग जाए उसको दीन से रोके, इज्तिमाई जिंदगी में दीन से नहीं चल सके, चल इंफरादियां बात करे और वो भी जब चाहे उसको छीन दे। तो कुकर के साए में दीन पर चलना तो नाकिस दिन हो, वो तो नाकिस दिन पर चले। अब कामिल दीन पर चलने का आजम करेगा, अगर आजम भी नहीं किया, इरादा भी नहीं किया, तो फिर तो दुगना कुछ नहीं बनेगा। अब आजम इरादे तो क्या मतलब, आजम इरादे का मतलब यह है कि मैं बातिल के तसव्वुर से निकलना चाहता हूं, निकलूंगा। इसकी तरतीब नबी ने बताई, क्या तरतीब बताई, पहले तो तय करो कि पूरे दिन पर मैंने चलना, पहले तो यह तय करो। अब दिन पर चले तो जो रुकावट हो रुकावट को दूर करो, दिन पर चले तो रुकावट क्या है, मुसलमान दिल में जिंदगी से मांगो, मुसलमान दिल में जिंदगी से क्यों मांगो, मुसलमान दिल में से मांगो, या तो सिरे से मेहनत कर ही नहीं रहा, और जब कर भी रहा है तो उसने दुनिया को आगे रखा हुआ है, मेहनत को पीछे बांधा हुआ है। असल तो पैसा है, मैंने पैसा कमाना है और मैं हूं पैसा कमाने के लिए, काम भी पैसे से बनता है, दीन से नहीं बनता, नमाज से नहीं बनता, काम तो पैसे से बनता है, नमाज को भी पैसे का मोहताज बनाया है, दीन को पैसे का मोहताज बनाया है, मस्जिद को पैसे का मोहताज बनाया है, पहले तो यकीन बनाओ कि दीन पर जिंदगी गुजारूंगा तो कामयाबी मिलेगी। बात बड़ी सख्त बातें की, एक आदमी मस्जिद को पैसा दे रहा है इस बुनियाद पर कि अगर मैं मस्जिद में पैसा नहीं लगाऊंगा तो मस्जिद कैसे चलेगा। फरमाया इस आदमी को आखिरत के दिन इस जुर्म में पकड़ा जाएगा कि तुमने मस्जिद को नापाक किया, इस मस्जिद से इस जज्बे से मस्जिद में आना ये नापाक जज्बा है, तुमने मस्जिद को नापाक। मस्जिद तो अल्लाह का घर रहना चलाएगा, जज्बा तो ये है कि अगर मैंने मस्जिद में न लगाया तो मेरे क्या बनेगा, मैंने मदरसे में न लगाया मेरा क्या बनेगा, मैंने तबलीग में न लगाया मेरा क्या बनेगा। पहले तो यकीन चीन करो फिर लगाओ, गलत यकीन के साथ लगाएंगे पता नहीं हमारा किसी पहले पड़ भी जाएगा कि नहीं पड़ेगा। सबसे पहले यकीन, सबसे पहले पहले मैंने तो रूप में आएगी फिर दिन, जब दिन वजूद में आएगा तो अल्लाह साथ हो, दिन का क्या मतलब चला तो साथ लो। अब दिन की मेहनत के बारे में तीन चार ऊंची ऊंची बैठी इसको समझ, तीन चार मोटी मोटी बैठी उसको समझ दी गई। पहली बात ये यकीन करना कि दिन मेहनत से आएगा और नबी की मेहनत से आएगा, दीन मेहनत से आएगा और नबी की मेहनत से आएगा, मेरे और आपकी तदबीर से दीन वजूद में नहीं। जैसे दीन एक तरीका है, मेहनत का भी तरीका है, दीन एक तरतीब का नाम है, मेहनत भी एक तरतीब है, और वो नबी की मेहनत है, नबी की मेहनत से दीन वजूद में आता है। जो भी नबी आया
जो भी नदी आए वो उन लोगों में आए जो भी नीचे, नबी जो भी आया है उन लोगों में आया है जो दीन नहीं चाहते। नबी की मेहनत के हमेशा दो मरहले, पहला मरहला लोगों में फिरना, लोगों के पास जाना, लोगों को समझाना, लोगों को आमादा करना, ईमान समझाना, आमाल समझाना, आखरत समझाना, दावत देना, अल्लाह के कमालात, एहसानात, कारनामे, इख्तियारात बयान करना और ये समझाना कि हमारे और आपकी जिंदगी अल्लाह बनाए। अगर अल्लाह राजी हो गया सात जमीन सात आसमान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, अगर अल्लाह नाराज हो गया और सात जमीन सात आसमान को आपने कब्जा कर भी लिया जबकि कोई कर नहीं सकता, अगर कर भी ले तो अल्लाह की पकड़ से नहीं कर सकता। ये तौहीद और ए लोगो, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह के दरबार से जिंदगी गुजारने का तरीका लेकर आया हूँ जिसका नाम दीन इस्लाम है। अगर नबी की जिंदगी तुम्हारे पास होगी तो अल्लाह राजी होगा, नबी की जिंदगी के अलावा अल्लाह कोई तरीका कबूल नहीं करेगा। अगर नबी की जिंदगी तुम्हारे पास होगी तो सात जमीन सात आसमान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अगर नबी की जिंदगी तुम्हारे हाथ से निकल गई अगर नाराज हो गया तो सात जमीन सात आसमान तुम्हें अल्लाह की पकड़ से नहीं बचा सकेंगे। ये रिश्ता फरमाया, एक आदमी मस्जिद में दाखिल हुआ, दाएं पांव मस्जिद में रखा, ये सूरत अमल है, इस पर इतनी कामयाबी मिलेगी सात जमीन सात आसमान से वो कामयाबी नहीं होगी। एक सूरत अमल इसके यकीन बनो और असल जिंदगी आखिरत की है, मौत पर शुरू हो जाएगी और आखिरत की मंजिलें बहुत लंबी है और बहुत मुश्किल है, बहुत सख्त। नबी इसकी दावत देता है, पीछे घूमता है, लोगों को समझाता है, लोग धक्के देते हैं, तकजीब करते हैं, बात नहीं सुनते, नबी से भागते रहते हैं, कानों में मजा डालते हैं और नबी पीछे घूमता है। इस मरहले का नाम तब्दील है जो हर नबी ने किया। मरहले का नाम क्या है? तब्दील है हर नबी ने। दूसरा मरहला, लोग तैयार हो गए, आमादा हो गए, अब नबी दरमियान में बैठा हुआ है, लोग आ रहे हैं, अकीदत भी है, मोहब्बत भी है और नबी की बात को सुनने के लिए आते हैं, सीखने के लिए आते हैं, समझने के लिए आते हैं। नबी दरमियान में बैठा हुआ है, लोग उसके गिर जमा है, नबी सिखा रहा है, वो सीख रहे हैं। इस मरहले का नाम कितने हिस्सा बैठे, 800 करोड़ इंसानों में से 500 करोड़ कलमे से मालूम, तो कितने दिन बिठ गए? अच्छा, रह गए 250-300 करोड़। अब इनमें से कितने हैं जिनको कलमा भी दिया? एक मुल्क के बारे में बताया कि फला मुल्क में एक जगह 80,000 मुसलमान थे, अक्सर हुए जिनको कलमा नहीं आता नमाज नहीं। इस मजमे में बहुत सारे साथी गए मुल्क में, बल्कि हमारे अपने मुल्क कितने लोग हैं कलमा नहीं पढ़ने के अल्फाज वाले? अच्छा, कितने लोग हैं जो नमाज सिरे से नहीं पढ़ते? बाजार में कितने दीन मौजूद है, कितने मिटकू? कारखाने थाने में कितने दिन मौजूद है, कितने मिट चुका? गलत फहमी तो ये है कि भाई दिन महफूज है, भाई महफूज अलमारी में है या जिंदगी में? नमाज जो है हिदायत की किताब पढ़ेगा या आदमी पढ़ेगा, बुखारी शरीफ पढ़ेगा या आदमी पढ़ेगा, जो आदमी मांगेगा या बुखारी शरीफ?
मांगे थे, वहां मांग करके बारिशों की आजत अल्लाह के सामने बारिश नहीं देगा या आदमी लगे अब दिमाग डालो कितने दिन मौजूद है कितने मिट चुका है, बाजारों का दिन, कारखानों का दिन, दफ्तरों का दिन, हमारे घरों का दिन। अच्छा जो मौजूद है उसका क्या हाल है? मैं दावे के साथ देता हूं ये जो मजमा ये दीनदार मजमा है, दीनदार मजमा है, पूरे शहर का दीनदार मजमा है। इसको अलग अलग बिठाओ, इसकी नमाज पढ़ लो अक्सर होंगे जिनके माँ बाप। अक्सर की नमाज पढ़ो, ये दो मजमा है जो सारे शहर को मग्ज है। अब अपने शहर के क्या लोग तो दिन हमारे पर मौजूद कितने हैं, मिटा हुआ कितने? तो दिन के मौना निर्णय का मत और मान क्या है ये कामत दीन का मतलब है जो दीन मिट चुका है उसको जिंदा करो और जो दीन मौजूद है उसकी हिफाजत करो। अब मिटे हुए दीन को जिंदा करने के लिए नबी की मेहनत का पहला मरहला है जिसका नाम तबलीग है, पीछे फिरना। नमाज पढ़ता है सीखना नहीं चाहता, इसके पीछे जाओ, घर पे समझाओ कि नमाज सीखो। नमाज सिरे से नहीं पढ़ता, उसके पीछे जाओ समझाओ कि नमाज पढ़ो। बाजार के अहकाम को पूरा नहीं कर रहा, उसके पीछे जाओ उसको समझाओ। तो जितना दीन हमारा पहला हुआ है मिटा हुआ है उसको वजूद में लाने के लिए नबी की मेहनत का पहला मरहला है जिसको उम्मत ने सदियों पहले छोड़ दिया। उन्होंने ओला के बाद तबलीग हमारे हाथ से निकल चुका है जो नबी की मेहनत का सबसे बड़ा मरहला है इकामत दीन के लिए, मुसलमानों के लिए भी कुफार के लिए भी यही। अच्छा मुसलमान इस वक्त मानने के लिए तैयार भी नहीं है कि तबलीग हमारे से होता है। दूसरे मरहले पर, पहले मरहले का नाम दूसरे मरहले, हालांकि पहले मरहले का मान अलग है दूसरे का अलग है। दूसरा मरहला दो लोगों के लिए भी तैयार मानते कलम सीखना चाहते, और पहला मरहला उनके लिए जो सिरे से भागते न करना चाहते हैं और न सीखना चाहते। तो हमारे पास इतना हमारे हाथ में है, इतना हमारे हाथ से निकल और जो इतना हाथ में है वो भी बेचा है। एक मौका में नबूवत की जिम्मेदारी को समझ करके दीन की मेहनत को तुम होते हैं, पूरा दीन सामने हो, पूरा आलम सामने हो, आने वाले रस्ते सामने हो। अब इसके लिए नकलो हरकत है और इज्तिमाई है। अगर अपनी जगह बैठे हुए हैं दीन का काम कर रहे तो ये रजूम ये फैलता नहीं, के मर जाने के बाद ये भी मिट गए। मेहनत तो मुताबी है हर एक को लगाओ, अल्लाह के रास्ते में निकल करके एक एक उम्मती के पीछे फिरो और उस उम्मती को खत्म करने का मकसद समझाओ और उम्मती को तो समझाओ, उसको अपना साथी बनाओ। एक गलत मेरे से तौबा करो, गलत मेहनत क्या है कि हमने दीन को पीछे किया हुआ है, दुनिया को आगे रखो, जान माल रुकावट बने रुका छुट्टी, पैसा कमाने के लिए गश्त रुकावट है गश्त छुट्टी, पैसा कमाने के लिए चिल्ला रुकावट है छुट्टी को छुट्टी, पैसा कमाने के लिए तबीयत ढाई घंटे रुकावट है छुट्टी को। यह हमारा जुर्म है और ये गलत मेहनत है, इस गलत मेहनत को इस दुनिया में कुकुर पैदा हो।
अब हर मुसलमान से भी लोग उसको गलत मैंने से तो बताओ और उसको अपने साथ जोड़ो। मेहनत की खासियत है कि जो आदमी इस मेहनत में लगेगा उसके अंदर ईमानी सिफात आएगी और उन ईमानी सिफात के मुताबिक वो अपना अदारा चलाएगा। जो भी उसके शोभा है, ताजर है, जिम्मेदार है, कारखानेदार है, खाने वाला है, अस्पताल वाला है, कचहरी वाला है, जो भी है, अब उस ईमानी सिफात के साथ जब वहां जाएगा तो वहां ही नजर आएगा। तो हर मुसलमान को इस पर आबादा करो कि अल्लाह के रास्ते में निकल कर तीन काम करो। एक तो हर मुसलमान से तौबा करो और तौबा गलत है से करो और हर मुसलमान को खत्म नबूवत की जिम्मेदारी समझाओ और खत्म नबूवत की जिम्मेदारी समझा कर अपने साथ जोड़ो और जिंदगी को तकसीम करके मुस्तकिल अल्लाह के रास्ते में निकलते रहो, बार बार निकलते रहो और ईमानी सत्ता को बढ़ाते रहो और वापस आकर के मुकाम पर ईमानी सत्ता की हिफाजत भी करो इन अमाल के जरिए से और कुछ ईमानी सिफात के साथ अपना रोजगार पेश करो ताकि लोगों को दीन नजर आए। तो दीन दिखाए एक जोड़ा सिख जोड़ा बम्बई के शहर का वाक्य है, बहुत पुरानी बात है। टैक्सी ड्राइवर मुसलमान का आया रुका, उस जोड़े को उठाया, अपने मंजिल तक पहुंचा। नया जोड़ा था, नई शादी हुई थी, उस जोड़े का ब्रीफकेस इसकी गाड़ी में रह गया, वो रुका ये चल रहा। आप उसमें कागजात भी थे, जेवरात भी थे, पैसे भी, बड़ी मारियत का सामान। अब बैठ के सर वापस गया, रुपये तो चले। इस परेशानी में बैठा था कि दरवाजा खुल गया, बाहर निकला तो वो टैक्सी ड्राइवर को सुना था ब्रिज के साथ सरदार जी आपको ब्रिज के मेरे गाड़ी में रहेंगे ये ले। जब उसने लिया उसने कहा सरदार जी इसको फोन दो पे आपका सामान पूरा है या नहीं। बोला तो कागजात भी मौजूद, जेवरात भी मौजूद, पैसे भी मौजूद, उसमें से कुछ पैसे निकाले और इस मुसलमान को दिए कि तू गरीब आदमी है इसे तू हमारा कुछ काम हो जाए। मैंने कहा साहब ये सारा मेरे पास था, अगर तेरे से काम बनता तो ये सारा मैं लेके गया, मेरा ऐसे काम नहीं बनेगा, मेरा काम अल्लाह बनाएगा और इस अमल पर बनाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस गरीब मुसलमान ने दीन दिखाया या नहीं दिखाया। अब मुतालिबा यह है कि दीन अस्पताल में भी नजर आए, ये दीन कचहरी में नजर आए, ये दीन थाने में नजर आए, ये दीन दफ्तर में नजर आए, ये दीन हमारा आपके घर में नजर आए। इसके लिए ईमानी सिफात हासिल करने के लिए नबी की मेहनत का पहला मरहला है। अल्लाह के रास्ते में निकलो और ये चार अमाल, इन अमाल को करते रहो, लोगों को उस पर तैयार करते रहो, मस्जिदों को आबाद करो, लोगों को मस्जिदों में जोड़ो, तालीम कार के लगाओ, दावत कार के लगाओ, इबादत की बुनियाद डालो और इबादत को ज़्यादा बनाओ, नमाजों को, जिक्र को, तिलावत को, लोगों को इस पर तैयार करो, गर्मी बर्दाश्त करो, सर्दी बर्दाश्त करो, एक एक मुसलमान को खत में नबूवत का मकसद समझाओ और उसको अपने साथ जोड़ो और एक एक मुसलमान को एहसास दिलाओ नबी की मेहनत की जिम्मेदारी का, उसको अपने साथ जोड़ो। तो इस तरह तीन काम हमारे करने के लिए, तौबा कराना गलत मेहनत से, जिना से, झूठ से, कसम से, शराब से, तो ये का डिजाइन है। गलत मेहनत को गलत समझता नहीं, इसलिए गलत मेहनत से तो गलत जेन नहीं। एक तो ये काम करना है, एक मुसलमान को मिलना और उसको आगे भेजो, उसको आगे भेजो, उसको आगे भेजो, जहाँ तक खुद जा सकते हो खुद जाओ, जहाँ तक नहीं जा सकते हो लोगों को भेजते रहो, मुतादी अंदाज से काम करो, एक उम्मत ही पूरे उम्मत को मुतारिक कर सकते।
और सत्या भी नहीं कर सकते। 24वीं सदी में एक मुसलमान खड़ा हो गया, सारी उम्र से विचार कर सकते। इस समझ में नहीं जितना बेरून का सफर हुआ है, जरा हाथ खड़ा कर, जिसका भी हुआ है जहां जाए ऊंचा हाथ खड़ा करो ताकि नजर आए। अब इनमें से एक मुसलमान खड़ा हो जाए कि फलाम जो मैं गया था वहां मुझे तबलीग वाले नहीं मिले, कोई भी खड़ा हो, हालांकि ये महिमा अगर साथ लगाया जाए ये महिमा दुनिया के तमाम ममालिक में जाता है, तो मुश्किल चंद एक ममालिक रह गए, अक्सर ममालिक में जाता है। और वहां तक तबलीग किससे दे पहुंचा, एक मुसलमान, हर मुसलमान के अंदर ये इस्तेदाद अल्लाह ने रखा है कि नहीं रखा, करना नहीं चाहता पहला बात। अल्लाह सुब्हानहु व तआला को सुन ले पहले सरमाया देता है फिर मुतालिबा करता है। तो तीन काम कर लीजिए, एक काम तौबा कराना गलत मेहनत से कि भाई दीन को आगे रखो अपनी दोस्ती उसके पीछे रखो, दोस्ती तो नहीं हो ख्वाहिशात है, दोस्ती तो हमारी पूरी है, हमने तो हमारे ख्वाहिशात पूरी नहीं है, दोस्ती तो बहुत दे दूँ तो आप उस बात की शुरू ख्वाहिशात जिसको हमने दोस्तों बना दिया, अब इनको पीछे करो दिन की मेहनत को आगे करो, और खत्म में वो तीन सब समझाओ और ईमानी सफात सीख लो, आकर के ईमानी सफात के साथ ही पेश करो। ये तीन काम है करने के, और इन तीनों के लिए फिर ना एक एक मंदी की बात करो, ताजर को लगाओ कि जांच में दिन नजर आएगा, कारखाने वाले को लगाओ कारखाने में दिन नजर आएगा, तो पूरा दिन चलो जहां तक जा सकते हो वहां तक खुद जाओ, नहीं जाते लोगों को भेजो, आगामी दिनों को जाओ, मौजूदा नसरुद्दीन पर आएगा आने वाले नसरुद्दीन पर आएगा, तो सारी दुनिया को दीन सिखा सके, फिर जो ना लोग आएंगे। एक तो ये बात जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी के एहसास के साथ दीन का मेहनत करना ये है। और अगली बात यह है कि मेहनत में तरतीब नबूवत, तरतीब नबूवत में पहला मरहला है तरबियत, और तरबियत के चार अमाल हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने 13 साल ये अमाल किए और कराए, और उम्मत ने आगे जाकर के इन अमाल को 3 सदियां चलाए। यह अलग बात है कि जिम्माने में दावत वाले था, जिम्माने में इल्म वाले था, जिम्माने में बातों का भी। अब ये 3 जमाने मेहनत के जमाने हैं, जिसको खैर कुरून कहा जाता है कि मेरा जमाना खैर का है, कर जोश के साथ है, कर जोश के साथ हर दुनिया की रुपये हम सीखते रहे। अब जमाना तो बर्तन है, उसके अंदर क्या है, क्या ये खैर जमाना वही है जो गुजर गया बाद में नहीं आ सकता, बर्तन तो बर्तन के अंदर जो कुछ है तो किसी भी बर्तन में डालो बर्तन खैर का बन जाए, शायद एक बर्तन से मालूम तो नहीं, एक बर्तन दूसरे में डालो जिस बर्तन में डालोगा वो खैर का। तो बात ये भी जमाने ऐसे आ सकते हैं जिनमें वही अमाल करो जो पहले जमाने को खैर का हो गया, तो पहले दर्जे का खैर का जमाना उसके अमाल है उसको सीखना समझना, दूसरे जमाने के खैर के अमाल है उनको समझना, तीसरे जमाने के खैर के अमाल है उनको समझना, और उनकी जरूरत को समझना, उनकी अफादियत को समझना, और उनकी तरजीहात को समझना, कि पहला मरहला खैर का दूसरे दर्जे पर क्यों आया, दूसरा खैर का जमाना तीसरे दर्जे पर क्यों आया, किन अमाल की तब्दीली हुई, ये जो से ताल्लुक रखते हैं, इसका नाम सीरत है। तीनों जमानों को इसको सीखेंगे समझेंगे तो जो समझ में आएगा, मेहनत समझ में आएगा। और उम्मत का हाल यह है कि सीरत आज से निकल चुकी, सीरत उम्मत का हाथ से निकल चुकी, हमारे इंडिया अदालत के जमाने से उम्मत का अलमिया है, तबलीग से निकल गई, सीरत हाथ से निकल गई,
तो मेरे की क्षमता थी। जब मेहनत की समझ निकल जाती है तब तक यहाँ बदल जाती है, जब तक यहाँ बदल जाती है तो ग्रहित करवा जाती है। इनके तबक्को घटी, हर अमल को अपने वक्त पर करना और अपने तरजहात के लिहाज से करना ये तबक्को है। इसलिए मेरे मौतम भाई और अगली बात ये मेहनत का खुलासा क्या है, भाई अल्लाह को साथ दो, क्या करो अल्लाह को साथ दो। हम बातें का मुकाबला नहीं कर सकते, हम तो बातें के सामने भी बस नबी का इंतखाब होता है आसमानी, कोई आदमी नबी बन नहीं सकता, वो तो अल्लाह बनाए जिसको भी बनाए। और नबी अच्छा नबुवत के काम के लिए माइयत इलाहिया जरूरी, अल्लाह को साथ देना, अल्लाह मोमिनीन के साथ है, अल्लाह साबिरीन के साथ है, अल्लाह मुसलिमीन के साथ है और अल्लाह मुत्तकीन के साथ। ये कल्बी सिफात, इन कल्बी सिफात को हासिल करना जरूरी है, इसके बगैर दीन का कोई काम नहीं चल सकता। अगर चलाएगा तो माजी बुनियादों पर चलाएगा और माजी बुनियादों से दीन का काम चलाना ये सबसे बड़ा जरूरत है। इसलिए नबी का सरमाया अम्बिया इकराम को बगैर माजी नक्शू के भेजा, अखीर भेजा। तो नबी का सरमाया अल्लाह की मदद है, माइयत इलाहिया, और माइयत इलाहिया बेवकूफ है सिफात पर माजी नक्शू पर नहीं। अब यहां पर थोड़ा सफर के वाल करता हूं, बात नबी का तो इंतखाब आसमानी हुआ, अल्लाह ने उसको मुंतखब किया और नबी को ये सिफात अल्लाह ने पहले से दी, नबूवत के साथ सिफात भी दी। तो नबी को इन सिफात हासिल करने के लिए मेहनत नहीं करनी, नबी अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। अल्लाह ने वो मेहनत मुफ्त मुस्तकिल कर दी लेकिन सिफात नहीं, इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने इसका इंतजाम फरमाया तो उम्मत को सबसे पहले उन आमाल पे डाला जिन आमाल से ये सिफात पैदा होती है। ये तबीयत क्या है, दावत है, तारी मुकाबल है या तारी वादात है और हमदर्दी की जिंदगी है। इसलिए जो भी दावत कलमा पढ़ता उसको दावत में डालता में जमा करके दीन सिखाएगा, ईमान की मजलिस होती थी, कुरान की तालीम होती थी और मेहनत के मशवरे होते थे, ताजिद की नमाज फर्ज थी, रात को खड़े होकर के कुरान अल्लाह को सुना, अपनी जरूरतों को कुर्बान करो, लोगों की जरूरतों को पूरा करो। पूरी सीरत में 13 साल की जिंदगी में इन आमाल के अलावा और कोई अमल नहीं, नबूवत के अमाल है, तरबियत के अमाल है और अमाल आपके लिए और अमाल आपको खुरूज इन अमाल के लिए। इन अमाल को करेंगे पाबंदियों के साथ, कुर्बानियों के साथ, यकसुई के साथ, मुल्क की निगरानी में करेंगे और बार बार निकलते रहेंगे, इन अमाल को करते रहेंगे, सिफात पैदा होगी, अल्लाह को साथ ले करके फिर जो ना हम तबीयत के काबिल होंगे। अभी तो तबीयत शुरू हुई, अभी तो हम सिर्फ भर्ती कर रहे और मुसलमान को बता रहा है कि मुसलमान पहले भर्ती हो चुका है, अभी उसका एहसास नहीं है, हम तो मुसलमानों के पीछे फिर रहे हैं, हर वक्त फिर उसको समझा रहे हैं और समझा करके अलग अलग रास्ते में निकाल करके इन आमाल पर डाल रहे ताकि सिफात हासिल करें, उन सिफात के बाद दीन नजर आए तो फिर दीन हमारे पास होगा तो फिर सारी दुनिया को हम आवाज लगाएंगे कि लोगों अब जो है दीन में कामयाबी है, इस पर आ जाओ, मुझे कामयाबी मिल गई तो मैं भी मिल गई। इसके नतीजे में आसमानी निजाम साफ होगा जैसे सहाबा इकराम के साथ होगा, दुआ मांगते थे फरिश्ते उतरते थे, हवाएं में सफर थी, पानी में सफर था, आग में सफर थी। सिर्फ
पानी को बगैर कृष्ण से बोले अल्लाह साहब, रवि मिला साहब, बड़ा लोग सारी दुनिया के इंसानों को दिखाया क्या अल्लाह साहब। रुस्तम साहब ने कभी वकास मुकाबले के लिए तैयार नहीं था, मशहूर वाक्य शकलाती साहब वो तैयार नहीं था। किस्सा को कहता था मैं यहां तुम्हारे लिए लश्कर रवाना करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और यकीन नहीं लिखा। इसकी वजह क्या है? उसकी वजह में वो असल में वो खौफ था जो अल्लाह ने उस पर डाला था। उसको पता था कि इनके मुकाबले में जाऊंगा मैं, ख्वाब था उसने ख्वाब देखा, ख्वाब में उसने नबी अलैहिस्सलाम को देखा, सहाबा किराम बैठे हुए समंदर पे डाला, दरिया पे डाला, दरिया को बगैर साथ देखा भी वो खास कर भाला के नाम इस तरह वो देव मुस्लिम राम को लगा फलानी आग में सफर, पानी में सफर, आग में सफर, हैवानात में सफर, सारी दुनिया को दिखा दिया। रहा गिनता रहा कैसर रोम ने दस मरतबा दस मौकों पर कहा था मैं उनका कोई नहीं मरण पलट जर्नैलों को दिखा यरमुख के मैदान में सबसे बड़ा जर्नैल था उसने मुझे कामयाबी मिल गई तुम्हें अल्लाह की मदद के बगैर अगर बातिल के पास गए भी तो मार खाते सवाब तो मिल जाएगा। इसलिए दीन के किसी भी शोबे को चलाने के लिए सबसे पहले तरबियत है अल्लाह को। नज़र क्या है कि भाई गर्मी में नहीं जाऊंगा, सर्दी में जाऊंगा, सर्दी में पालू और आगस्त के वक्त जाऊंगा वो सुबह के वक्त नहीं जाऊंगा, असल से इशा वक्त नहीं दूंगा इसे के सुबह तो इस तरह चलेंगे तो सारा साल चीले लगाते रहेंगे, झूठ से नहीं बच सकेंगे, धोखे से नहीं बच सकेंगे, बाजार का दिन पेश नहीं कर सकते। वो तो जो मैंने फरमाते हैं इस तरह निकलो, कहा जाता है निकलो तो निकलो, अभी शिला करते हैं फिर निकलो, ये सीख लो कि निकलना मैंने सीखना है, तकाजे पर निकलना मैंने सीखना है। शहरों के जिम्मा तैयार होगी फिर जाकर निकलो, अभी शहर में लगा कर जाए, चिल्ले की जिम्मा तैयार होगी फिर निकलो, अभी चिल्ले लगा कर साल की जमात आ गई तैयार हो जाओ, मैं भी जाऊं मुल्कों की जमात इसी तरफ तैयार करो, तब काजे पर निकलना सीखेंगे तो ईमान सीखेंगे। नजर के साथ चलते रहेंगे, हजारों चल रहे, लाखों चल रहे, ग्रामीण की जगह हमारे यहां भी जगह न निकलने से बहुत ज्यादा बेहतर है नहीं निकलना, लेकिन मकसूद तो तकाजे पर निकलना है। दस साल बाद ही निकलोगे तो इसी तरह मसरूफियत होगी, बल्कि बात हो सकता है मसरूफियत बढ़ जाए कम नहीं। तो इससे हर हाल में निकलना सीख लें, इस तरह निकलना शुरू करेंगे तो चंद आरसे के अंदर अंदर अल्लाह ने इंशाअल्लाह उस मुकाम पर पहुंचा देगा कि ये आदमी वक्त के कैद से आजाद हो जाए, फिर इसके लिए वक्त कैद नहीं आएगा, फिर ये नहीं देखेगा क्या वक्त हुआ, सिर्फ काम को देखेगा और काम के लिए निकलेगा और वापस आकर और मेरे और आपसे उसके काम ज्यादा बनेंगे, इसलिए कि उसने अल्लाह को साथ लिया, अल्लाह को साथ जो भी मुश्किल आएगी उसका अल्लाह पहले मिले, जो भी तकलीफ आएगी उस तकलीफ पहले पहले हल करेगा, उसकी जिंदगी में बरकत होगी, मोहब्बत होगी, इत्मीनान होगा, ये सारे आसमानी चीजें अगर दीन पर मिलेंगी, इज्तमाही दीन होगा तो इज्तमाही होंगी, इंफरादी दीन होगा तो इंफरादी होगी। फिर उसके बाद क्या होगा, जब एक मुजमा तैयार होगा इस इन बुनियादों पर
मौलाना मदाव साहब फरमाते थे कि जितना तबीयत काम बढ़ेगा सारी दुनिया में मुसीबतें बढ़ेंगी, मुसीबतों में इजाफा होगा, कमी नहीं होगी, लेकिन मुसीबतें उन पर बढ़ेंगी जो या तो इस काम को कर ना रहे हो और या इन काम को अखलास के लिए कर रहे हो, उन पर तो आएंगी मुसीबतें। जो अल्लाह की बुनियाद पर, जिम्मेदारी की बुनियाद पर उस काम को कर रहे हो उन पर अल्लाह करेगा रहमतों की बारिश, इत्मीनान की बारिश, बरकतों की बारिश। अब जब बेचैनी बढ़ेगी तो फिर लोग तुम्हारे पीछे आएंगे, ऐसा फरमाते थे। तुम मस्जिद में बैठे हुए होंगे, मुल्क माल वाले, मुल्क माल यकीन वाले आकर के तुम्हारे सामने हाथ जोड़ेंगे, साईं मैं बड़ा परेशान हूं, क्या ऐसा फरमाते थे कि फिर अल्लाह से कंजन खींचेगा। जब आस पास आग जल रही हो और दरमियान में ठंडा पानी हो, अल्लाह को तो लोग कहां जाए, आग से तेज तरना है, फिर अल्लाह हवा चलाए, हमारा तभी हिसाब के मुताबिक नहीं है, इतने तब्दीली लगेंगे तो इतना दिन फैलेगा, इतना तब्दीली लगेंगे तो चंद रोने वाले पैदा हो जाएंगे, अल्लाह पाक हवा चलेगा, उन चंद रोने वालों को अल्लाह को साथ देने वालों के लिए मजमे कर दिए करती है। अब इसके लिए बताओ, मैं देर नहीं कराऊंगा, अब बताओ पूरे आदम में फिरने के लिए कौन कौन थे। अच्छा जी, अब तक तकाजा ये है, अब तक तकाजा।